हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मिर्ची की आपने कई तरह की रेसिपी खाई होगी, तो आज हम कुछ अलग से न्यू रेसिपी बनाने वाले हैं। तो मैंने 200 ग्राम जितनी हरी मिर्च ली थी, फिर मैंने उसको अच्छी तरह से पानी से पहले धो लिया था। धोने के बाद मैंने उसको एक प्लेट में निकाल दिया और अच्छी तरह से कॉटन से उसको साफ़ कर लिया उसका पानी। मिर्ची की कलर बहुत ही अच्छी है, थोड़ी रेड और ग्रीन। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने मिर्ची से कौन कौन सी रेसिपी बनाई है। तो पहले हम मिर्ची को बीच में से कट करके उसकी दो पीसेस में कट कर लेंगे, उसके बीच में से कट लगा देंगे। ऐसे हम सारी मिर्ची को कट कर लेंगे पहले। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो मैंने सारी मिर्ची को अच्छी तरह से कट करके रख दिया है। बाद में हम लेंगे एक खलबत्ता। मैं आप लोगों को बताती हूँ हर बार कि मैं हाथों से ही सारी चीज़ें पीस लेती हूँ, मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो पहले मैंने इसमें डाला थोड़ा ज़ीरा और स्वाद अनुसार नमक। नमक और ज़ीरे को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। थोड़ा दरदरा हमें रखना है इसको। फिर हम गैस पर एक तवा रख देंगे गरम होने के लिए। तो तवा हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ा ऑयल। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो हमने जो जीरा और नमक को थोड़ा पीस दिया था ऑयल में, हम उसको डाल देंगे। उसके बाद एक एक करके मिर्च इसमें रखेंगे। लोगों की नानी दादी ऐसे तो जीरे वाली मिर्ची ज़रूर बनाते होंगे। तो मैं आपके लिए ये न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस मिर्ची को आप दाल चावल, कड़ी चावल के साथ खा सकते हैं। ऐसे रोटी में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको जैसे पसंद आए इस मिर्ची को आप खाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मिर्ची तीखी नहीं होती है। हम इसको ऐसे पलटा पलटा कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से मिर्ची को सेक लेंगे। तो मिर्ची अब हमारी सेक कर रेडी है। तो हम गैस को थोड़ी देर के लिए ऐसे बंद कर देंगे। आज हमारे घर पर दाल चावल बनाए थे, इसलिए मैंने जीरे वाली मिर्ची बनाई थी। तो आप लोग दाल चावल के साथ क्या एंजॉय करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये मिर्ची मेरी मम्मी को बहुत ही पसंद है, तो आज स्पेशली मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाई है, क्योंकि दाल चावल के साथ उनको जीरे वाली मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोगों को मिर्ची की कौन सी रेसिपी पसंद है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों को मेरा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए एंड तक बने रहना। मैं मिलूँगी अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।